भारत में सियाहत के फ़रोग की अहमियत। भारत कुदरती और सामाजिक एतबार से तनु और रंगारंगी से भरपूर मुल्क है। यहाँ सियाहत के पेशे के काफ़ी रोशन इम्कानात हैं। भारतीय खित्ते में कुदरती हुस्न, पुरकशिश मनाजिर, हिमालय जैसे बुलंद पहाड़ और दिलकश साहिली इलाके सयाहों को अपनी जानिब रागिब करते हैं। इसके अलावा भारतीय सकाफत का तनु त्यौहार, तकरीबात, रसूम, लिबास, भारतीय मसालों से बने लजीज पकवान और भारतीयों की मेज़बानी की वजह से भारत में सियाहत के शोबे में मवाके की इफरात है। सियाहत और माशी तरक्की। सियाहत के फ़रोग के ज़रिए मुल्की मईशत को बड़ा फ़ायदा हासिल होता है। तआम खानों, दुकानों, आमदो रफ्त के वसाइल, तफरीही मकामात जैसे अवामिल मईशत को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसके अलावा बुनियादी सहूलियात तरक्की पाती है और रोज़गार के मौके फराहम होते हैं, जिसकी वजह से मईशत को बराह रास्त फ़ायदा होता है। अलगर्ज सियाहत माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, इसीलिए सियाहत को गैर मरई तिजारत कहा जाता है। सियाहत और माहौलियाती इर्तिका। माहौलियात के इर्तिका के लिए सियाहत मुफीद साबित होती है। सियाहती सनत की ज़रूरियात के तवसत से कुदरती मकामात, जंगलाती तहफ़्फ़ुज़गाहें और कौमी म्यूज़ियम के फ़रोग के लिए हुकूमत के ज़रिए सरमायाकारी की जाती है। माहौलियाती सियाहत के तसव्वुर की वजह से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए सियाहती मकामात को फ़रोग दिया जाता है। रिहाइश गाहें, रिसॉर्ट, आमदो रफ्त के रास्ते जैसे अवामिल भी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से बनाए जाते हैं। इस इर्तिका में बिजली और पानी का इस्तेमाल एहतियात से किया जाता है। दोबारा इस्तेमाल का तसव्वुर भी अमल में लाया जाता है। माहौल के कुदरती हालत को बरकरार रखते हुए सियाहत को फ़रोग दिया जाता है।